दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आपके पूरे शरीर पे खुजली होती है या फिर दाद है या फिर कपड़ा धोने पर उंगलियों के आसपास जो सूजन दर्द और पपड़ी जम जाती है उसका समाधान करने के लिए हम इस वीडियो में आपको उपाय बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं खुजली का इलाज करने के लिए, इन समस्याओं के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप क्या करें, 100 ग्राम नारियल का तेल ले लें और 5 ग्राम देसी कपूर ले लें। इन दोनों को आपस में मिलाकर किसी कांच की शीशी में भरकर रख दें और कसकर उस पर डाट लगा दें। अब इस शीशी को आप अच्छे से हिलाएं या फिर क्या करें कि धूप में रख दें। ऐसा करने से कपूर तेल में अच्छे से मिल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, रोजाना स्नान करने से पहले इस तेल की मालिश करने से शरीर पर उठने वाली सारी खुजली जो होती है वो खत्म हो जाती है। यानी कि जहां पर भी आपको खुजली होती है वहां पर स्नान करने से पहले इस तेल की मालिश करें और उसके बाद आप स्नान कर लें। इससे चर्म रोग के जो विकार होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और अगर सारे शरीर पर खाज हो जाते हैं तो इस कंडीशन में इस तेल की 10 बूंदे बाल्टी भर पानी में डालकर आप नहाते हैं तो वो शांत हो जाती है। दोस्तों अगर आपको दाद होती है तो रात को सोने से पहले इस तेल को आप दाद पर लगाएं और सो जाएं। ऐसा करने से आपकी दाद खत्म हो जाती है, लेकिन एक बात का ध्यान दें, इस पर आप पट्टी वगैरह मत बांधे, तेल लगा दें खाली दाद पर। लगभग एक सप्ताह बाद आपकी दाद पे जो है वहां पर सफेद खाल आ जाएगी। सफेद खाल आ जाए उसके बाद इसको मत लगाएं, उसके बाद आप केवल नारियल का तेल ही लगाएं। और दोस्तों उंगलियों के अग्रिम पोरों पर दर्द होता है, सूजन होती है या फिर पपड़ी जम जाती है तो उस कंडीशन में आप इस तेल को लगाएं कपड़े धोने के बाद तो भी आपको आराम मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये सारे शरीर पर खुजली है तो भी फायदेमंद होता है, दाद की कंडीशन में भी फायदेमंद होता है, कपड़े धोने के बाद जो आपको समस्या होती है उसमें भी ये फायदेमंद होता है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।